जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है, सुनिए क्या बोले। सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि नोटिस दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो, तो जो कांग्रेस में भगदड़ मची के पहले एक आपके अधिवक्ता गए, फिर आपके ईसा के जो है वो नेता गए, तो ये लगातार भगदड़ कांग्रेस में मची हुई। जिला अध्यक्ष जा चुके महापौर ऐसा है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो जिला अध्यक्ष गए हैं उनके भाई पहले से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। बाकी लोग जो अन्नू की जहां तक बात है बिल्कुल सही है, महापौर है, थोड़ा महापौर का एक हिस्सा होता है, ऐसा है कि उसको सरकार की आवश्यकता होती है, उनका अपना एक डर हो सकता है, मेरी कोई बात नहीं उसके बाद। पर बाकी लोग जो गए हैं वो चाहे मंडला के हो चाहे और कहीं के, पहले से ही बीजेपी में थे। आज जैसे दिनेश जो पूर्व विधायक का ये 10 साल से तो बीजेपी का ही सदस्य था, आया गया 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारा विधायक था, 15 साल के बीच में जो विधायक रहे तब भी बीजेपी के साथ ही खड़े रहे, मैं भी विधायक था। तो ये कहना कि ये चला गया, मैं अनुरोध ये करता हूं कि कांग्रेस में अब कमजोर मन के जो लोग हैं या जिनके पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जिससे उनको डर लगता है, मैं मानता हूं कि ये उनका धन्यवाद कि ऐसे समय में, अब तो अभी 5 साल है लगातार है, जिसमें हिम्मत है, जिसके दिमाग में स्पष्ट है कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, जो कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है, संविधान बचाना चाहता है और जिसमें लड़ने की क्षमता है, मैं मानता हूं जीतू पटवारी और कांग्रेस के साथ है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि वो डर है कुछ लोगों में, तो उस डर को मिटाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, नेतृत्व की जिम्मेदारी क्या है? नेतृत्व की जिम्मेदारी है, सामने आके आपसे बात कर रहे हैं कि जो मजबूत लोग हैं वो साथ हैं, जो कमजोर मन के लोग हैं, मैंने कहा दो रास्ते हैं, एक डर के जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोसेस है वो उसको प्ले कर रही है। जहां तक प्रश्न है हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी में 3-4 लोग हैं, मैंने स्पष्ट कहा कि पहले से ही बीजेपी जिनको हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया, जैसे मंडला के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया चुनाव के, अब वो जब हमने बाहर निकाल दिया तो बीजेपी में जाएगी बीएसपी में, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हमने ही तो निकाला था, अब लंबा हो गया। अब एक मिनट, अब उनका सवाल कुछ नाम इनकम ऐसा है, ये संख्या का विषय नहीं है, कई लोगों को दिए गए हैं और मैं मानता हूं कई लोगों में करीब 25-30 हमारे नेताओं को दिए गए हैं, जिनका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लिस्टिंग करके आपको अवगत कराया जा रहा है। एक आप तैयारी ये खाली केवल पीसीसी, सारे सीएलपी, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे वरिष्ठ, सबकी मंशा एक है कि अगर सोनिया जी राज्यसभा जाए तो वो मध्य प्रदेश से जाए, अगर मध्य प्रदेश से जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश में प्रधानमंत्री का पद भी जिन्होंने त्यागा है, अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। मध्य प्रदेश के लिए जो राजनीतिक रूप से आवाज भी है वो सदन में भी ज्यादा ताकत से गूंजेगी, और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो हम सौभाग्यशाली है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सौभाग्यशाली। इसको लेकर आपने दिल्ली में अपनी बात कही क्या? नहीं, मैंने पत्र के माध्यम से डिमांड की है, और मैंने ही नहीं की, सब राज्यों ने की है, अलग अलग जहां जहां राज्यसभा के चुनाव है सब राज्यों ने एक साथ अलग अलग ये प्रोसेस किए, पर हमारा मन है कि मध्य प्रदेश से सोने दिया। लोकसभा ये अनुरोध मेरा इतना है कि आज तक सोनिया जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो कैसा है हमारे से बेहतर पूरा देश जानता है, और मैं अनुरोध ये भी कर रहा हूँ कि ये हमने उनसे निवेदन किया है, निर्णय उनको लेना है। सर ये उन्नाथ का जो, अच्छा एक इधर, आप भी राज्यसभा जाने चाहते हैं, ऐसी बातें चल रही हैं? मैंने कभी भी आज तक एक बार भी कहीं इस भावना को व्यक्त न मेरे भाव से किया न मेरे मुंह से किया,
मैं पार्टी से आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूं कि मुझे किसी भी रूप में जो एक व्यक्ति एक पद है, मुझे जो पद मिला उससे मैं संतुष्ट हूं, इसकी जिम्मेवारी अच्छे से निभाऊं। भगवान ईश्वर मुझमें ताकत दे। राज्यसभा का न मैं कैंडिडेट हूं, न था न रहूंगा। वो पार्टी तय करेगी सर, क्यों नहीं हो सकते। प्रदेश अध्यक्ष आप बन गए हैं तो सड़क पे उतर के आंदोलन करने की कोई रूपरेखा तय? हाँ बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। एक 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 मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मिले इनकम टैक्स के नोटिस के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों को दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पटवारी का कहना है कि हमारे लोगों को नोटिस भेजकर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी में शामिल नहीं होने पर कार्यवाही का डर बताया जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग इसकी पूछताछ भोपाल के कार्यालय में भी कर सकता है, लेकिन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं राज्यसभा में जाने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि मैं राज्यसभा सदस्य की दौड़ में शामिल नहीं हूं, एक व्यक्ति एक पद की गरिमा पर कायम हूं और रहूंगा। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों महिलाओं के साथ किए जा रहे धोखे पर कहा कि किसानों को 2,700 और 3,100 रु धान एवं गेहूं पर समर्थन मूल्य दे सरकार। वहीं महिलाओं को 3,000 रुपए और 450 रु में सिलेंडर देने की जो राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बात कही भी, उस पर भी सरकार अमल करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जितनी कोशिश आंदोलन को असफल बनाने में कर रही है, यदि उससे आधे प्रयास भी किसानों की मांगों व समस्याओं को सुनने में लगा दे तो बहुत हद तक असलियत समझ आ जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस के जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र ब्योहार, सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, डिंडौरी के पूर्व जिला अध्यक्ष बीरेंद्र बिहारी शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।